फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती भाई। रेडर वगैरह बच्ची लगती है भाई इस गाड़ी के आगे। रोड प्रेजेंट की बात ही मत करो, अंबिकापुर में ये गाड़ी इतनी बिकती है भाई, इतनी बिकती है पूछो मत। हेलो भाई, मैं अंकित भाई, आज मैं आपको ऐसी गाड़ी दिखलाने वाला हूँ जिन भाई का बजट थोड़ा ढीला होता है, चाहते हैं मस्कुलर गाड़ी ले लें, साथ ही रोड प्रेजेंट भी अच्छा हो, माइलेज भी अच्छा मिल जाए, उनके लिए ये गाड़ी भाई सोने पे सुहागा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई पल्सर NS125 की। ये एक लौती एक ऐसी गाड़ी है जिसमें अपने को पावर वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है, साथ ही इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कोई अफोर्ड कर सकता है। और लुक के मामले में इतनी तगड़ी लगती है भाई, मतलब साइड से कोई देख के कह नहीं सकता कि ये 125 सीसी वाला गाड़ी है। बस वो बैज अपने को मिलता है, साथ ही यहाँ पे भी अपने को बैज मिल जाता है, बस वही अपने को मिलता है जिससे ये गाड़ी प्रूफ हो जाती है कि 125 सीसी वाली है। नहीं तो इसमें अपने को तीन वेरिएंट मिलते हैं, 160 भी आता है, 200 भी आता है। अगर ये स्टिकर हटा के तीनों गाड़ियों को साथ में खड़ा कर दिया जाए ना भाई, आप सच में पकड़ नहीं पाओगे कि कौन सी 125 वाली है, कौन सी 160 वाली है, कौन सी आपकी 200 वाली है। तो देख लो भाई, फ्रंट अपने को इस टाइप का मिल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं इनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, लक्ष्मी बजाज करके इनका शोरूम है अंबिकापुर में। अगर आप अंबिकापुर या फिर खासकर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप इनके शोरूम में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइजेज की, तो मैंने आपको बताया अभी मैं खड़ा हूँ भाई लक्ष्मी बजाज पे, यहाँ पे इसका एक शोरूम जाता है भाई 105,500 के राउंड, बाकी ऑन रोड की बात करते हो तो 123,000 के राउंड इसका ऑन रोड चला जाता है। फ्रंट देख लो भाई, अपने को इस टाइप का मिल जाता है, आपको तो पता ही है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा। यहाँ पे अपने को छोटा सा वाइजर मिल जाता है, बाकी बजाज का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। यहाँ पे अपने को ऑफर करा जाता है भाई फुल्ली हैलोजन हेडलाइट, यहाँ पे LED वगैरह अपने को नहीं मिलता, ये 2022 वाला मॉडल हम देख रहे हैं। यहाँ पे अपने को पैलेट लैंप मिल जाता है जो कि आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब जाके जलता है, ये भी अपने को हैलोजन मिलता है। बाकी टर्न सिग्नल देख लो, ये गाड़ी भाई स्पोर्टियर सेगमेंट में आ जाती है, तो बिल्कुल ही आपको स्पोर्टियर लुक मिलता है, सब चीज़ स्पोर्टियर जैसा मिलता है। इंडिकेटर अपने को फ्लेक्सिबल मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है भाई। बाकी नंबर प्लेट माउंट, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अभी देखो लोग बाग बोलते हैं कि भाई LED बढ़िया होता है लुकिंग वाइज भी, साथ ही ब्राइटनेस भी अच्छा करता है, लेकिन वही आप सोचो कि ठंडी के मौसम में मतलब जहाँ फॉग वगैरह होता है वहाँ पे आप तो LED तो लेते हो, लेकिन LED वहाँ पे यूज होगा आप ही बताओ। देखो प्रैक्टिकल अगर कहते हो ना भाई हैलोजन ठीक होता है, बाकी मडगार्ड देख लो अपने को कार्बन के फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। ये अपने को भाई स्टिकर मिलता है, देखना जरा, हाँ ये मडगार्ड पे आपको नहीं मिलता, ये स्टिकर मिलता है। बाकी फ्रंट में अपने को यही 240mm का डिस्क मिल जाता है, CBS का ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आता है, ABS वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी इसका मेन अट्रैक्टिव पार्ट मैं आपको बताऊँ, एलोय देख लो भाई कितना अट्रैक्टिव, इसमें अपने को एलोय मिलता है। बस इस 125 सीसी वाले वेरिएंट में अपने को वाइट एलोय नहीं मिलता, लेकिन 160 लेते हो ना उसमें अपने को वाइट एलोय का ऑप्शन मिल जाता है। अभी टायर सेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे अपने को ऑफर करा जाता है भाई 80x100R17, ये आपका 80 हो गया, ये आपका 100 हो गया, बाकी 17 इंच का अपने को एलोय मिल जाता है। दोनों साइड अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है। साइड से देखते हो तो देख लो भाई पल्सर NS125 इस तरीके की दिखती है भाई। ये थोड़ा इग्नोर करना, अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए लगवा रखा है। इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, अपने को रिजर्व वगैरह मिल जाता है, देखो रिजर्व का अपने को स्विच यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर आप 160 वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें अपने को फ्यूल इंजेक्शन मिलता है जिसमें आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। इसका फ्यूल टैंक बहुत ही मस्कुलर सा लगता है भाई। पल्सर का बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का सिस्टम, दोनों साइड अपने को पल्सर लिखा मिल जाता है। बाकी क्रैश गार्ड अपने को छोटा सा मिलता है और यहाँ पे अपने को देख लो इस टाइप का डिज़ाइन मिलता है। इसमें अपने को रेडिएटर वगैरह देखने को मिलता है, सिंगल हॉर्न मिल जाता है, कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाता है। बाकी इंजन काउल देख लो अपने को इस टाइप का मिल जाता है जो कि भाई फाइबर का ही है, यहाँ पे मेटल वगैरह नहीं बजाज ऑफर करता है। बाकी इंजन देख लो अपने को 124.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, तो वही आपको मैक्सिमम 11.6 BHP का पावर निकाल के देता है, बाकी 11 Nm के अराउंड अपने को टॉर्क मिलता है। बाकी ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, देख लो स्पोर्टियर जैसा अपने को गियर वाला मिल जाता है। बाकी ड्यूल स्टैंड इसमें आ जाता है जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी राइडर वाला पिलियन वाला एक पे रबर मिलता है, एक पे रबर आपको नहीं मिलता। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल ही जाता है, यहाँ पे अपने को जाली टाइप का फिनिशिंग मिल जाता है। यहाँ पे आप देख लो अपने को रियर सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है, बाकी यहाँ पे सीट खोलने के लिए मिल जाता है भाई, चाबी लगाओगे तो आप आराम से खोल सकते हो। और यहाँ पे आपको लेडीज़ के लिए फुटवेयर वगैरह नहीं मिलता भाई, क्योंकि ये स्पोर्टियर सेगमेंट में गाड़ी आ जाती है, बस आपको सारी गार्ड मिलता है। रियर से भाई बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है भाई, मतलब मैं आपको कैसे कहूँ, बहुत ही तगड़ी तगड़ी सी लगती है। यहाँ पे अपने को NS125 की बैजिंग मिल जाती है, ग्रैफिकल देख लो स्प्लिट में मिल जाता है, बाकी ग्राफिक्स में तो अलग ही लग रहा है भाई। अपने को बहुत सारे कलर मिल जाते हैं भाई, जो जो कलर मिलता है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे इस टाइप का अपने को टेल लाइट मिल जाता है, इंडिकेटर मैंने आपको दिखला दिया, अभी टेल लाइट थोड़ा जला के इसी हाथ दिखला देता हूँ।
यहाँ पे अपने को टेम्पेड भी मिल जाता है भाई, जो कि बहुत ही काम आता है। इस टाइप का अपने को मडगट टाइप का मिल जाता है, इसमें मडगट तो आता नहीं है भाई, ये वाला खोल भी सकते हो। देखो यहाँ से मॉडिफिकेशन के शौकीन हो ना, ये वाला निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दे रखा है कंपनी वालों ने, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, बाकी रियर अगर देख लो अपने इस टाइप का मिल जाता है। बड़ा मस्त लगता है भाई रियर से देखने में। अभी रियर में अपने को डिस्क वगैरह नहीं मिलता, बस आपको ड्रम ही मिलता है 130mm का, बाकी 100x90 17 इंच का अपने को टायर मिलता है, 190 बाकी 17 इंच का। फ्रंट वाले से आपको रियर वाला टायर मोटा मिलता है। राइड की बात करती हूँ तो पल्सर NS125 इस तरीके दिखती है भाई, जैसा उस साइड डिज़ाइन अपने को वैसा इस साइड भी डिज़ाइन मिलता है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे 125 लिख रखा है, उस साइड भी लिख रखा है भाई। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा जाली टाइप का फिनिशिंग मिल जाता है, बाकी ये सब तो मैंने आपको दिखला दिया। इंजन में अपने को ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है, बाकी किक वगैरह मिल जाता है, ब्रेक वाला, राइडर वाला। और देखो ये गिरता है ना भाई, ये टूटेगा नहीं, कंपनी ने यहाँ पे ऐसे टाइप का दे रखा है। अब कंपनियाँ सोच रही है भाई, पहले क्या होता था ना, ऐसी गाड़ी गिर जाती थी तो ये वाला टूट जाता था, फिर चला के लाने में दिक्कत होता था, लेकिन अब थोड़ा कंपनी समझदार हो गई है भाई। अभी राइट से देख रहे होगे, बाकी गाड़ियों में अपने को राइट साइड में साइलेंसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने को साइलेंसर नहीं मिलता भाई। देखो यहाँ पे ऑफर करा जाता है साइलेंसर, देखो ध्यान से देखो, अंडर बेली अपने को इसमें साइलेंसर मिलता है। बाकी थोड़ा एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं, देन उसके बाद मैं आपको मीटर कंसोल वगैरह दिखाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे आपका साइड स्टैंड शो होगा, देख लो कितना मस्त आवाज है भाई, इस टाइप का आवाज करता है भाई आपकी NS125, बहुत ही मजा आता है भाई सुनने में। यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर करा जाता है अभी बजाज की तरफ से, यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता। पहले मीटर की ही बात कर लेते हैं, देख लो अपने को साइड में इंडिकेटर मिल जाता है, माल फंक्शन वगैरह, बैटरी वगैरह बजाज का, यहाँ पे RPM मिल जाता है 12,000 तक। यहाँ पे अपने को फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटल में, यहाँ पे साइड डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे ऑडोमीटर, बाकी इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ट्रिप हो गया अपने को, इसमें दो ट्रिप मिल जाते हैं बस, और कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी ये वाला टाइम वाइम सेट करने के लिए दे रखा है, यहाँ पे अपने को RPM लिमिट का लाइट भी मिल जाता है, जैसे आप ज़्यादा तेज भगाओगे तो आपका RPM लिमिट वाला लाइट जल भी जाएगा। ये देखो इस टाइप का अपने को की ऑफर करा जाता है, बहुत ही छोटा छोटा था। बाकी स्विचेज वगैरह क्वालिटी अपने को एक नंबर मिलता है भाई। देखो ये पासिंग हो गया आपका, ये देखो थोड़ा वहाँ पे जा रहा है भाई। बाकी लो बीम हाई बीम, यहाँ पे इंडिकेटर अपने को ऑफर करा जाता है भाई, हॉर्न सिंगल है, बस देखना जरा कितना आवाज़ कर रहा है, बहुत ही तगड़ा आवाज़ है भाई। यहाँ पे अपने को राइट साइड में इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ का बटन मिल जाता है। अभी देखो यहाँ पे ओवरऑल तो गाड़ी देख ही लिया भाई आपने, और कुछ इसमें अपने को नहीं मिलता। अभी मेन बात कर लेते हैं डायमेंशन की, तो गाड़ी भाई ओवरऑल लंबाई इसका है 2012 mm। बाकी कर्वेट की बात करते हो तो मैंने आपको बताया ना, ये गाड़ी थोड़ी हेवी है भाई, इसमें अपने को कर्वेट मिलता है 144 kg का। इस पे बैठोगे ना भाई, लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी पे बैठे हुए हैं। इस पे भी वैसा ही सीन है भाई 125 वाले पे, लेकिन ये थोड़ा सा हेवी है उससे, ये 40 के राउंड आता है, 40-42 के राउंड, लेकिन ये इसका वेट 44 के राउंड है। बाकी इसमें अपने को सीट हाइट मिलता है भाई 805mm का, बाकी इसमें अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 179mm का, जो कि ठीक है भाई इंडियन रोड के लिए ठीक है, लेकिन इसमें अपने को इंजन प्लेट वगैरह नहीं मिलता, जिससे थोड़ा ऑफ रोडिंग करने में डर है भाई, लेकिन ऐसे गाड़ियों को कौन ही ऑफ रोडिंग में ले जाएगा, ये भी बात है ना। बाकी रियर में मैंने आपको बतला ही दिया, मोनोशॉक वाला सस्पेंशन मिल जाता है नाइट्रोक्स का, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है भाई। बाकी इसमें अपने को 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और रिजर्व भी मिल जाता है भाई 2.6 लीटर का, तो कह लो आप 14.6 लीटर इसमें आपका पेट्रोल आएगा टोटली। अभी थोड़ा बैठते हैं भाई इस गाड़ी पे, मैंने ओवरऑल तो बतला ही दिया भाई, बहुत ही मुस्कुलर सी लगती है यार गाड़ी, मतलब स्पोर्टिया जैसा आपको फील आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कंप्यूटर गाड़ी पे बैठो, बहुत ही मुस्कुलर लगती है। फुटबैग वगैरह भी बहुत ही कंफर्टेबल है, बाकी पैर वगैरह आपका यहाँ पे आ जाता है। 144 केजी वेट है ना भाई, बहुत ही हेवी हो जाता है। बाकी कभी मौका मिला तो मैं आपको चला के भी दिखला दूंगा, देखना जरा हाथ वगैरह ऐसे आ जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। बजाज का मेरे को अच्छा लगता है भाई, इनका हैंडलिंग वगैरह मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। क्या है ना, ये लोग बहुत ही मतलब हैंडलिंग वगैरह पे या फिर सीट वगैरह पे या फिर बैठने के पोस्चर पे बहुत ही काम करते हैं, तब जाके गाड़ी को लॉन्च करते हैं भाई। देखना जरा इतना स्पेस बच रहा है, इसमें अपने को स्प्लिट सीट मिलता है, तो बहुत बंदे को देखा है भाई, चार जने भी बैठा लेते हैं, लेकिन तीन जने मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बैठा सकते हो। वैसे तो गवर्नमेंट दो ही जने को बैठाने का अलाउ करती है। देखो ऐसा लुक आपको बस एक KTM ड्यूक 125 दे देता है, और ये दे देती है भाई। रेडर वगैरह बच्ची लगती है भाई इस गाड़ी के आगे। बात कर लेते हैं इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
देखो इसका मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मत सोचना कि भाई स्पोर्टियर गाड़ी है तो मेंटेनेंस ज़्यादा जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। मेंटेनेंस आपका 125 सीसी वाला जैसा ही जाएगा, जैसे इसका जितना मेंटेनेंस होगा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस जा सकता है मेरे हिसाब से। माइलेज की बात करते हो तो वैसे तो भाई लोग 50 तक भी निकाल लेते, वो आपके ऊपर है भाई चलाने के ऊपर, वैसे नहीं तो मान के चलो नॉर्मली अगर यूज करते हो तो 45 से 50 तक आपको दे देगी, वैसे अगर थोड़ा भगाते हो तो भाई 40 भी देगी 35 भी देगी, अगर दो तीन सर्विस करा लेते हो तो देन उसके बाद और भी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। देखो 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ियों में माइलेज का शिकायत नहीं रहता भाई, ये सीन हो जाता है। बाकी यहाँ से बहुत ही तगड़ी तगड़ी सी इसका फ्रेम दिखता है, ये सीन है। रोड प्रेजेंट की बात ही मत करो, अंबिकापुर में ये गाड़ी इतनी बिकती है भाई, इतनी बिकती है पूछो मत। बाकी चैन वगैरह अपने को फुल्ली ओपन मिलता है भाई, जिससे थोड़ा बहुत आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है मैं मानता हूँ, लेकिन लुक के मामले में एक नंबर हो जाती है भाई। बाकी पल्सर का भाई आपको बताइए इंजन कितना रिलायबल होता है, लेकिन एक चीज़ है भाई आपको रीसेल वैल्यू वगैरह इनका उतना अच्छा नहीं मिलता, मिल जाता है लेकिन उतना तगड़ा नहीं मिलता जैसे स्प्लेंडर वगैरह के मुकाबले। अगर आपके पास थोड़ा बजट और है तो 160 वाला वेरिएंट ले लो भाई, उसमें अपने को पावर और अच्छा मिल जाता है, वो और आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगी गाड़ी। बाकी इन सब का अपने को पोस्चर थोड़ा टाइट मिलता है भाई, लेकिन कंफर्टेबल है भाई। मिरर भी देख लो भाई, अपने को इस टाइप का मिल जाता है स्पोर्टियर जैसा, जो कि अच्छा लगता है देखने में। देखो हैंडलिंग बहुत ही आपको एग्रेसिव नहीं मिलता भाई, मतलब नॉर्मली कम्यूटिंग भी करना चाहो ना इस गाड़ी से तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी भाई आप सोच रहे हो कि इतना मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इस गाड़ी का, कोई नेगेटिव मैंने बताया नहीं। देखो नेगेटिव इस गाड़ी में कुछ लगता ही नहीं भाई मेरे को, बस एक ही चीज़ मेरे को नेगेटिव लगता है, कंपनी इसमें फीचर्स प्रोवाइड नहीं करती भाई। मतलब 1,25,000 के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस आता है, मतलब बजाज वालों थोड़ा करो भाई, फीचर्स वगैरह थोड़ा ऐड कर दो, कम से कम गियर पोजीशन भाई, रियल टाइम एवरेज वगैरह मत दो लेकिन गियर पोजीशन कम से कम देना चाहिए आप लोगों को। बाकी देखोगे तो एलोए पे अपने को स्ट्रिप भी मिल जाता है, जैसा कलर लोगे भाई वैसा आपको स्ट्रिप मिल जाएगा। बाकी दोनों टायर भाई ट्यूबलेस है और ये सब रात में जलता भी है भाई। तो भाइयों यहाँ पे आपने देख ही लिया NS125 में अपने को क्या क्या ऑफर करा जाता है, क्या क्या मिल जाता है, सब कुछ ओवरऑल बतला ही दिया। बाकी कभी मौका मिला तो मैं आपको चला के भी दिखला दूंगा गाड़ी चलने में कैसी है भाई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।